भजन संहिता अध्याय 89 भजन संहिता अध्याय 89 मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक जताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाशमंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्रों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यह तेरे तुल्य कौन सामर्थ्य है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है। जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उसको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हेरमोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख्य प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इसराइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा कि मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेंगी। शत्रु उसको तंग करने न पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा, और मैं उसके द्रोहियों को उसके सामने से नाश करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा, और मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे बचने की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी, और मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियम के अनुसार न चले, यदि वे मेरी विधियों को उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटों से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। मैं दाऊद को भी धोखा न दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सन्मुख ठहरेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाशमंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तूने अपने दास के साथ की वाचा से घिनाया और उसके मुकुट को भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। तूने उसके सब बाड़ों को तोड़ डाला है और उसके गढ़ों को उजाड़ दिया है। सब बटोही उसको लूट लेते हैं और उसके पड़ोसियों से उसकी नामधराई होती है। तूने उसके द्रोहियों को प्रबल किया और उसके सब शत्रुओं को आनंदित किया है। तू उसके तलवार की धार को मोड़ देता है
और युद्ध में उसके पांव जमने नहीं देता। तूने उसका तेज हर लिया है और उसके सिंहासन को भूमि पर पटक दिया है। तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप दिया है। हे यहोवा, तू कब तक लगातार मुंह फेरे रहेगा? तेरी जलजलाहट कब तक आग की नाई भड़कती रहेगी? मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूं। तूने सब मनुष्यों को भी व्यर्थ सिरजा है। कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहां रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की सुधि कर। मैं तो सब सामर्थ्य जातियों का बोझ लिए रहता हूं। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन फिर आमीन।